नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। झारखंड सरकार की ओर से पारा शिक्षकों को लेकर कौन कौन सी रणनीति बनाई गई है, आज हम इस पर बात करेंगे और ये बताएंगे कि कहां पर अड़चन आ रहा है और घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम क्या वास्तव में शुरू हो जाएगा या उसके पहले सरकार अस्थायीकरण कर देगी। इसके पहले आपको बता दें कि ढेर सारी बधाइयां हमारे लिए आती हैं, बड़ी संख्या में कमेंट बॉक्स में लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप सही न्यूज भेजते हैं और इसमें कृष्णा सेन, दारा प्रसाद, प्रीतम, इजमामुल रहीम ने लिखा है कि आपकी न्यूज में सत्यता होती है और आप ऐसे ही हमें न्यूज दिखाते रहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, हम ऐसे ही न्यूज आपको दिखाते रहेंगे। और भी कई लोगों ने कमेंट किया है जो हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल आपको बताते हैं कि हमारी जो बातचीत हो रही है पारा शिक्षक संघर्ष संघ के नेताओं से और सरकार के सूत्रों से, दोनों से हमने जो बातचीत किया है उसके आधार पर हम एक खबर आपको दिखा रहे हैं कि लगभग झारखंड सरकार में जो मंत्री हैं और झारखंड सरकार में जो विधायक है सत्तारूढ़ पार्टी की या फिर 81 जो विधानसभा सीट है उसमें दूसरी पार्टियों का विधायक, ऑलमोस्ट सभी लोगों का समर्थन पारा शिक्षकों को मिल गया है। सिर्फ ये मुख्यमंत्री एवं कैबिनेट स्तर के कुछ मंत्री के चलते पूरा मामला रुका हुआ है, यानी कि अगर 81 विधायकों की बात किया जाए तो बड़ी संख्या में विधायकों ने पारा शिक्षक को अपना समर्थन दे दिया है। और वहीं जो लोकसभा के सांसद है झारखंड से, सभी सांसदों ने भी अपना समर्थन दे दिया है, लेकिन वो खुल करके सामने बयान देने से फिलहाल बच रहे हैं। हमारे पास जो सूचना पहुंची है उसके मुताबिक सरकार के ऊपर ये दबाव बन गया है कि इसे अनदेखी नहीं करना चाहिए। हालांकि सरकार इस पूरे मामले पर अभी मौन है और कुछ भी कहने से बच रही है, खुले रूप में कुछ भी नहीं कर रही है। दो तीन प्रकार से सरकार की रणनीति बनाई जा रही है। पहली रणनीति ये है कि पारा शिक्षकों के अंदर दो तीन गुट बन जाए और यहाँ पर सरकार को फायदा होगा, यानी कि दो तीन गुट जब बन जाएगा तो जो 15 नवंबर के बाद जो आंदोलन शुरू होने का है वो नहीं हो पाएगा। सरकार की दूसरी रणनीति है कि जो लोग इस आंदोलन में रांची में लगातार धरना प्रदर्शन किए हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए एक लिखित प्रक्रिया शुरू की जाए और इसकी शुरुआत कर दी गई है, तो दूसरा तरीका ये है। और तीसरा है कि 15 नवंबर को कुछ मानदेय को बढ़ाया जाए। जो हमारे पास सूत्रों से खबर आई है उसके मुताबिक 30-35% ही बढ़ने की संभावना जताई गई है। मतलब सरकार ने कहा है कि अभी राजस्व उतना ज्यादा नहीं है कि वह इतना बोझ ले पाए, 25,000 और 30,000 रुपया सैलरी 67,000 पारा शिक्षकों का कर दे। गवर्नमेंट की ओर से जो अपुष्ट खबरों के अनुसार, मतलब आपको ये बता दें कि सरकार की ओर से आधिकारिक ये खबर प्रकाशित नहीं की गई है, लेकिन जो बातचीत चल रही है कैबिनेट स्तर से कि धरना प्रदर्शन जिस प्रकार से हुआ है, पारा शिक्षकों का तेवर जिस प्रकार से कड़ा हुआ है, इसे लेकर अब सरकार को लगता है कि इसमें चुप्पी रहना ठीक नहीं होगा और कुछ मानदेय बढ़ाया जाए जिसकी घोषणा 14 नवंबर अथवा 15 नवंबर को हो सकती है, ताकि 16 नवंबर से जो डेरा डालो घेरा डालो कार्यक्रम है वो नहीं हो और इसे वापसी की घोषणा कर दी जाए। तो हमारे साथ आपको कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में लगातार इसको सराहा है। रीता मंडल, मदन मारंडी, सोनू कुमार, अनिजीत राज, शिवा पांडे, राजकुमार ठाकुर, मंजू देवी, इन लोगों ने कहा है कि सरकार की धमकियों से डरने वाले नहीं है। सरकार इस प्रकार से बार बार धमकी देती है लेकिन वो लगातार संघर्ष करते रहेंगे और हम आपकी बात को लगातार दिखाते रहेंगे। सरकार से भी कोशिश कर रहे हैं कि आप की बातों को सरकार सुने। आप अपना नाम के साथ अगर अपना ब्लॉक या प्रखंड को लिख देते हैं, अपने इलाके का, अपने प्रमंडल का नाम लिख देते हैं तो हमें आसानी होगी बताने में। आपके नाम के साथ हम आपके प्रमंडल को भी बताएंगे और बड़ी संख्या में आप कमेंट कीजिए। आपके कमेंट करने से एक प्रेशर गवर्नमेंट पर भी पड़ता है और 15 नवंबर के पहले झारखंड संघर्ष, जो आपके एकीकृत संघर्ष पारा शिक्षक मोर्चा है,
इसके जो अध्यक्ष है वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आपका अगर कोई प्रश्न होगा सीधा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम उनसे सीधा सवाल करेंगे अलग अलग प्रमंडल के जो अध्यक्ष हैं उनसे कि पारा शिक्षकों की ये डिमांड है, इसको आप सरकार तक पहुंचाइए। लेकिन फिलहाल जो खबर है इसके मुताबिक जो सितंबर महीने में कमेटी बनाई गई थी जयंत मिश्रा जी के नेतृत्व में, और उस कमेटी की जो रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है, लेकिन अभी तक इसे उजागर नहीं किया गया है। इसमें बताया गया है कि कुछ सैलरी बढ़ाने की आवश्यकता है, जो हम तक खबर पहुंची है उसके मुताबिक। दूसरी ओर जो नियोजना पदाधिकारी है रांची में, जो हमने कल भी अपने खबर में बताया था, उमा शंकर सिंह, उन्होंने ये एक चिट्ठी के माध्यम से सभी प्रमंडल में ये पूछा है कि क्या जो लोग छुट्टी लेकर के गए थे वहां आंदोलन करने, क्या ये स्वीकृति मिली थी उन्हें। तो एक ये दूसरी वाली रणनीति है सरकार की। और तीसरी रणनीति है कि कुछ अगर मानदेय बढ़ जाता है लोग संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन खबर ये आ रही है कि जो टीचर टेट पास कर गए हैं, जो पारा शिक्षक रहते हुए टेट पास कर गए हैं, उन टीचर की सैलरी निश्चित रूप से ज्यादा बढ़ेगी और जो अनट्रेंड है उनकी कम बढ़ेगी। हालांकि पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा जो एकीकृत है, इसका मूल डिमांड यह है कि छत्तीसगढ़ के तर्ज पर उन्हें अस्थायी किया जाए और कम से कम सैलरी को 25,000 रुपया किया जाए, सभी हमें सुविधा दी जाए जो दूसरे सभी राज्यों में दिया जाता है। वही दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में बिहार वाले मामले पर भी बहस पूरी हो गई है, और सुप्रीम कोर्ट से बिहार के जो शिक्षा मित्र है, जिसको झारखंड में पारा शिक्षक कहा जा रहा है, बिहार में शिक्षा मित्र कहा जाता है, उसके हक में फैसला आ गया। अगर ये फैसला लागू हो जाता है तो ऐसे में एक बड़ा लाभ झारखंड के पारा शिक्षकों को भी हो जाएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि टीचर की सैलरी को कम क्यों करते हैं आप, टीचर की सैलरी को ज्यादा कीजिए। टीचर को आईएएस ऑफिसर और इंजीनियर डॉक्टर के तुलना में कम पेमेंट क्यों, जब टीचर एक साथ पढ़ाते हैं समान काम के लिए समान वेतन। ये डिमांड मेन था राज्य में, हमारे संवाददाता राजकिशोर सिंह लगातार वहां पर कवरेज किए हैं 29 तारीख से लेकर 2 नवंबर के जो अलग अलग पारा शिक्षक प्रमंडल वाइज वहां पहुंचे थे, उसकी कुछ क्लिपिंग आपको एक बार फिर से दिखाते हैं।